वीडियो देखने वालों को नमस्कार। तो आपको पता होगा कि भारत को जो है अपना पहला CDS मिल गए हैं और ये हैं जनरल विपिन रावत। तो ये एक बहुत बड़ा जो है मिलिट्री रिफॉर्म जो है माना जा रहा है, लेकिन क्या ये रिफॉर्म काफ़ी है या कुछ और चीज़ें भी करने की ज़रूरत है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो पद बनाया गया है, इसकी मांग जो है 1971 के युद्ध में पहली बार उठी थी। फिर जो है कारगिल वॉर रिव्यू कमेटी ने जो है आधिकारिक रूप से जो है इसकी बहुत सख्त ज़रूरत बताई थी, क्योंकि कारगिल वॉर के समय जो है बहुत ज़्यादा जाने जो है कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण गई थी। एयरफोर्स का कुछ और मानना था, आर्मी चीफ का कुछ और मानना था, और इस कोऑर्डिनेशन के कारण जो है जो टाइमली रिटेलिएशन होना था वो नहीं हो पाया था। तो CDS जो है वो इंटीग्रेट कर देगा तीनों डिफेंस सर्विसेज के जो चीफ हैं उनको। तो एक्चुअल में क्या होगा, CDS जो है सबसे ऊपर रहेंगे, उनके नीचे रहेंगे आर्मी नेवी एयरफोर्स के चीफ, और ये जो है अपनी बात जो है CDS को रखेंगे, और CDS जो है ये अपनी बात सरकार तक रखेंगे। तो यहाँ पर अब बेहतर तालमेल होगा और सरकार के साथ जो है बेहतर डीलिंग होगी। तो अभी क्या होता है कि सब जो है सरकार के सामने अलग अलग अपनी मांगे रख देते हैं, और सरकार के जो ब्यूरोक्रेट लोग हैं वो अपने हिसाब से तय करते हैं कि किसकी मांग कितनी ज़रूरी है, किसको फंड एलोकेशन कितना होना चाहिए, वो सब अपने हिसाब से तय करते हैं। अब CDS जो है वो चीज़ों की गंभीरता के हिसाब से अपने हिसाब से एनालिसिस करेंगे और सरकार तक सही बात को रखेंगे। तो कोऑर्डिनेशन जो है बेहतर हो सकता है और जो ज़रूरी डिफेंस डील हैं वो भी समय से पहले हो सकती हैं। लेकिन ये जो रिफॉर्म है ये रिफॉर्म काफ़ी नहीं है और इस रिफॉर्म का पूरा फ़ायदा हम नहीं उठा सकते। क्यों नहीं उठा सकते, हमारी सबसे बड़ी इस समय कमी ये है कि हम जो है बहुत ज़्यादा डिफेंस कमांड इस समय चला रहे हैं। तो भारत में इस समय 17 जो है अलग अलग कमांड्स चल रही हैं, 17 जो कि बहुत ज़्यादा हैं। अब ज़रा हम थोड़ा सा पाकिस्तान के एरिए की तरफ ही बात कर लें जो हमारी बॉर्डर पाकिस्तान से लगती है। एक आर्मी की है नॉर्दर्न कमांड जिसका हेडक्वार्टर उधमपुर में है, फिर एक आर्मी ट्रेनिंग कमांड है जो शिमला में है, फिर एक वेस्टर्न कमांड है वो भी है, फिर जो है एक साउदर्न कमांड भी है जिसका हेड जो है जो बेस है वो जयपुर है। इस तरीके से हमारी जो है चार कमांड जो हैं आर्मी की पाकिस्तान की बॉर्डर की तरफ ही हो जाती हैं। वैसे ही एयरफोर्स की बात करें तो एक वेस्टर्न कमांड है उनकी जिसका बेस दिल्ली है, फिर एक जो है सदर्न कमांड है जो गुजरात बेस्ड है। तो इस तरीके से जो है एयरफोर्स की भी यहाँ पे दो कमांड हो जाती हैं। साउथ में जाएं तो यहाँ पे भी आपको कई सारी नेवी की कमांड मिल जाएंगी, एयरफोर्स की कमांड मिल जाएंगी। चाइना के बॉर्डर की तरफ जाएं तो यहाँ पे भी आपको आर्मी की दो अलग यूनिट्स मिल जाती हैं, दो अलग कमांड मिल जाती हैं, और एक नॉर्थ ईस्ट के लिए एक अलग ईस्टर्न कमांड मिल जाती है। तो इस तरीके से जो है आर्मी की बात करें, नेवी की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, तो सबकी ही बहुत ज़्यादा अलग अलग कमांड सेंटर बने हुए हैं और वो जो है अलग अलग यूनिट की तरह जो है ऑपरेट करते हैं। अब ये चीज़ जो है आज के समय में बिल्कुल भी सही नहीं है। अब ज़रा हम अपने पड़ोसी को देखें, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो चाइना में जो है 5 थिएटर कमांड बनी हुई हैं। अब देखिए हमारे यहाँ 17 बनी हुई हैं और उनके यहाँ 5 बनी हुई है, जबकि चाइना का जो साइज़ है वो हमसे 3 गुना ज़्यादा है। तो हमें इतनी ज़्यादा की डेफिनेटली ज़रूरत नहीं है। तो चाइना की एक वेस्टर्न कमांड है और इस वेस्टर्न कमांड का जो काम है इंडिया को डील करना, तो पूरा का पूरा इंडिया को डील करना जो है ये वेस्टर्न कमांड का काम हो जाता है। इंडिया आ गया और कजाकिस्तान वगैरह आ गए ये। इनकी जो नॉर्दर्न कमांड है वो डील करती है मंगोलिया के साथ, साथ में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया इनके साथ। ईस्टर्न कमांड जो है चाइना की वो ताइवान को डील करने के लिए ख़ास तौर पे है, और सदर्न कमांड जो है वो वियतनाम हुआ, साउथ चाइना सी हुआ, इस पर्टिकुलर एरिया को हैंडल करने के लिए है। तो यहाँ देखिए कितनी फोकस तरीके से जो है चाइना ने अपनी कमांड्स बनाई हैं। तो एक प्योर फोकस है उनका, और ये ऐसी कमांड है जिसके अंडर में जो है बाकी चीज़ें भी आ जाती हैं। तो एक वेस्टर्न कमांड जो इंडिया को डील करती है उसमें उसके नीचे एयरफोर्स भी है, उसके नीचे आर्मी भी है। तो वो पूरी कमांड जो है वो देखती है कि हमारा दुश्मन भारत जो है उसके खिलाफ जो है हमें कैसी एयरफोर्स रखनी है, कैसी आर्मी रखनी चाहिए, कैसा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वो सब जो है एक ही जगह जो है मैनेज किया जाता है बड़े ही शानदार तरीके से।
अब वैसे ही जो है उनकी ईस्टर्न कमांड, साउदर्न कमांड जो है अलग अलग देशों के हिसाब को उनको टारगेट करते हुए बनाई गई है। तो देखिए कितना हाईली फोकस्ड, हाईली ऑर्गेनाइज जो है स्ट्रक्चर है चाइनीज डिफेंस फोर्सेस का। अब चाइना की जो हमने देखी कंट्री स्पेसिफिक अगर बात कर लें तो नॉर्दर्न कमांड जो है वो कोरिया और रशिया को हैंडल करने के लिए है, सेंट्रल कमांड जो है वो जो है चाइना की इंटरनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो भी है उसके लिए है, ईस्टर्न कमांड जो है ताइवान जापान ईस्ट चाइना सी को देखने के लिए है, साउदर्न कमांड जो है वो साउथ ईस्ट एशिया और साउथ चाइना सी के लिए बनाई है, और वेस्टर्न कमांड जो है वो इंडिया को देखने के लिए, सेंट्रल एशिया को और जिनजियांग प्रांत में कोई अगर टेररिज्म है तो उसको हैंडल करने के लिए। तो ये पाँच कमांडें जो हैं जो कि थिएटर स्ट्रक्चर में बनी हुई हैं, ये जो है पूरी तरह से चाइना की सुरक्षा का ध्यान रखती हैं। अब हमें भी ये करना चाहिए, और ये जो है ऐसा नहीं है कि हमारी सेनाओं के लोग नहीं जानते हैं, प्रधानमंत्री नहीं जानते हैं, अजीत डोवाल नहीं जानते हैं, सब जानते हैं, तो ये हमें करना भी चाहिए। पर समस्या है, समस्या ये है कि आर्मी को कोई तकलीफ़ नहीं है और जो है नेवी को भी कोई तकलीफ़ नहीं है, तकलीफ़ जो है एयरफोर्स को है, और एयरफोर्स को तकलीफ़ इसलिए है क्योंकि उसके पास उतने रिसोर्सेस नहीं हैं। अब एयरफोर्स अभी किस हिसाब से चलती है कि अगर इन फ्यूचर अगर हमारा कभी युद्ध हो तो हम जो है कुछ अपने इम्पोर्टेंट प्लेन्स को जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे और वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। अब जैसे कुछ जो है एयरफोर्स के बेस साउथ इंडिया में है, कुछ पाकिस्तान की बॉर्डर की तरफ से हैं, कुछ जो है चाइना के बॉर्डर की तरफ से हैं। अब इनमें से कोई भी ऐसे इतने रिसोर्सेस हमारे पास सफिशेंट अमाउंट में नहीं है कि एक ही एरिया के जो है एक ही देश को काउंटर करने के लिए सफिशेंट हो। तो अगर इन फ्यूचर हमारा कभी युद्ध होता है तो साउथ इंडिया से हम एसेट्स जो है वो मूव करते हैं पाकिस्तान की तरफ, चाइना से जो है कुछ एसेट रिड्यूस करके मूव किए जाते हैं पाकिस्तान की तरफ, तो ये चीज हमें करनी पड़ती है। तो एयरफोर्स ये कहती है कि हमारे पास इतने सफिशिएंट रिसोर्सेस ही नहीं है, अगर आप हमें हमें प्लेन ही इतने नहीं देते हो, हम आधी स्ट्रेंथ पर इस समय चल रहे हैं, तो उस इस तरह की कमांड स्ट्रक्चर बनाने का कोई मतलब नहीं, इससे हमारी एफिशिएंसी और खराब हो जाएगी। क्योंकि हम अगर मान के चलेंगे पाकिस्तान एक सीरियस थ्रेट है तो हम जो है ज्यादा प्लेन वहां पर डिप्लॉय कर देंगे, फिर चाइना की साइड से कुछ होता है तो हमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए जो है एयरफोर्स जो है इस चीज का विरोध कर रही है, और उनका विरोध जो है बिल्कुल अपनी जगह जायज है। तो हम जो है इस कमांड स्ट्रक्चर, थिएटर कमांड स्ट्रक्चर को जो है तभी लागू कर सकते हैं जब हमारी एयरफोर्स भी जो है सफिशिएंट रिसोर्सेस उसको मिल जाए। तो अभी जो है एयरफोर्स जो है 28 स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ पे चल रही है, रिक्वायरमेंट उसकी 42 की है। तो इस रिक्वायरमेंट, इस अंडर रिक्वायर्ड पोजीशन के साथ जो है ये सारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती। तो जब तक हम 35 या 40 के स्क्वाड्रन के करीब नहीं हो सकते, तब तक जो है वो जैसा चाइना का स्ट्रक्चर बना हुआ है थिएटर कमांड वाला, वैसा हमारा नहीं हो सकता। तो इस पर जो है आप अपने विचार जो है कमेंट्स में रखिए। फिर मिलते हैं किसी और दिन नए वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।